नमस्कार दोस्तों, कई सारे लोग कहते हैं कि हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ तो कर रहे हैं पर हमें रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं। ऐसा क्यों होता है कि आप जानते हैं? तीन ऐसे डेंजरस वर्ड हैं जिसका अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के पावर को रोक रहे हैं, जिसकी वजह से ही आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम ये तीन डेंजरस वर्ड को डिटेल में समझेंगे। अगर आप भी ये वर्ड को यूज़ कर रहे हैं तो आज से ही ये वर्ड को यूज़ करना छोड़ देना है और उनकी जगह तीन पावरफुल वर्ड्स जो आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं उसको यूज़ करना स्टार्ट कर देना है, जिससे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सारे नेगेटिव ब्लॉक्स दूर हो जाएंगे और जो आप चाहते होंगे वो आसानी से आपकी ओर अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। ये वीडियो एडवांस लेवल माइंड प्रोग्रामिंग की है, इसीलिए अगर आपने अभी तक हमारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन और सबकॉन्शियस माइंड पावर की बेसिक वीडियो ना देखी हो तो अभी ही ऊपर शो हो रही लिंक पे जाके देख लीजिए, जिससे आपको ये वीडियो की बात समझने में आसानी रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट डेंजरस वर्ड, मुझे ये चाहिए, मुझे अच्छी लाइफ पार्टनर चाहिए, मुझे अच्छी जॉब चाहिए, मुझे मनी चाहिए, मुझे कार चाहिए, मुझे एक बड़ा सा घर चाहिए, एक्सेट्रा। जब आप ये वर्ड को यूज़ करते हो तब आप ये यूनिवर्स को ये मैसेज देते हो कि मेरे पास वो चीज़ नहीं है, मेरे पास वो चीज़ की कमी है। दरअसल आप अपने आसपास देखोगे तो पता चलेगा कि हमारे इस वर्ल्ड में इतने सारे संसाधन हैं कि अगर पूरा विश्व भी ये पावर का यूज़ करने लग जाए फिर भी हम हमारे ड्रीम को आसानी से पा सकते हैं। और इसके लिए आपको ये वर्ड को चेंज करना होगा, क्योंकि ये वर्ड कमी या अछत का एहसास देता है और आप जानते हैं कि जैसे हमारी फीलिंग हो वैसा ही हम अट्रैक्ट करते हैं। इसीलिए आज से मुझे ये चाहिए कि जगह ये वर्ड का यूज़ करना है कि जो मैं पाना चाहता हूँ वो मेरे पास आने की प्रक्रिया में है और मैं उसके लिए ये यूनिवर्स का आभारी हूँ। ये वर्ड यूनिवर्स को ये मैसेज देता है कि आपकी इच्छित चीज़ मौजूद है और वो आपके लिए ही बनी है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी वो चीज़ आपके पास लाने के काम में लग जाएगा। सेकेंड डेंजरस वर्ड्स, मुझे उम्मीद है। ये वो डेंजरस वर्ड है जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के पावर को ब्लॉक कर देता है। एग्जाम्पल, जब भी आप ये सोचते हैं कि मुझे उम्मीद है कि मैं एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाऊंगा, मुझे उम्मीद है कि मुझे अच्छी जॉब मिल जाएगी, मुझे उम्मीद है कि मैं एक दिन अमीर बनूंगा, तब इनडायरेक्टली आप ये दर्शा रहे हैं कि आपको ये यूनिवर्स पे विश्वास नहीं है। मुझे उम्मीद है ये वर्ड्स दर्शाता है कि मेरे पास वो नहीं है या आपको वो सच होने की संभावना बहुत कम दिखती है। फिर वही सिचुएशन को आप अट्रैक्ट करोगे जिससे आपको वो लगने लगे कि हाँ, सच में मेरे ड्रीम पूरे नहीं हो सकते हैं। यानी कि जो आप देखते हैं वही आप पाते हैं। इसीलिए अगर आपको वो पाना है तो सबसे पहले उस पे बिलीव करना होगा। मुझे उम्मीद है ये वर्ड की जगह आपको बोलना है कि मुझे पता है कि मैं ये कर सकता हूँ, मुझे पता है कि मैं अमीर बन सकता हूँ। ये वर्ड्स ये दर्शाते हैं कि आप उस पे बिलीव करते हैं। इसीलिए आज से मुझे उम्मीद है कि जगह मुझे पता है वर्ड का यूज करना स्टार्ट कर दो। थर्ड डेंजरस वर्ड, मैं ये नहीं कर सकता, मैं अमीर नहीं बन सकता, मुझे अच्छी जॉब नहीं मिल सकती, मैं सुंदर नहीं हूँ इसलिए मुझे अच्छी लाइफ पार्टनर नहीं मिल सकती, मेरे पास पैसे नहीं हैं इसलिए मैं घर नहीं परचेस कर सकता। जब भी आप ये वर्ड का यूज़ करते होंगे तब आपने देखा होगा कि आपके साथ वैसा ही होता है जो आप सोचते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता। अगर आप भी ये कर रहे हैं तो वैसा बोलना अभी से स्टॉप कर दीजिए, क्योंकि जब भी आप मैं ये नहीं कर सकता बोलते या सोचते हैं तब अनकॉन्शियसली आप अपने माइंड को और इस यूनिवर्स से ये कह रहे होते हैं कि ये करना इम्पॉसिबल है और आपका सबकॉन्शियस माइंड वही बात को प्रूव करने में लग जाता है, जिससे आपको लगने लगे कि सच में वो करना आपके लिए इम्पॉसिबल है। आपके सबकॉन्शियस माइंड को कुछ भी नहीं पता है कि आप क्या कर सकते हैं या क्या नहीं, वो तो सिर्फ और सिर्फ इतना ही जानता है कि आप उसके लिए क्या बिलीव करते हैं। सो इसीलिए आज से मैं ये नहीं कर सकता वर्ड यूज करने की जगह ये बोले कि मैं ये कर सकता हूँ, आई कैन डू इट, मुझे अच्छी जॉब मिल सकती है, मैं घर, गाड़ी, पैसा और लाइफ पार्टनर सब कुछ अचीव कर सकता हूँ। फिर देखिए आपको वो सब कुछ मिलेगा जिसकी आपको चाहत है। अंत में सिर्फ इतना ही कहेंगे कि दोस्तों, अगर आप ये तीन डेंजरस वर्ड को यूज करना बंद कर दोगे और उसकी जगह बताए गए सकारात्मक वर्ड्स बोलना स्टार्ट कर दोगे तब हम मानते हैं कि आप जो भी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं वो जल्द से जल्द आप अट्रैक्ट करने लग जाओगे। दोस्तों, अगर आपका भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के रिलेटेड कोई भी एक्सपीरियंस हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें, जिससे दूसरे लोगों को भी आपकी स्टोरी से इंस्पिरेशन मिल सके। दोस्तों, ये वीडियो पसंद आई हो तो ये वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी और वीडियो के लिए हमारे चैनल डिजायर हिंदी को अभी सब्सक्राइब करें और बाजू में बेल के आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।